नमस्कार दोस्तों अब हम परसेंटेज के नेक्स्ट पार्ट के अंदर ठीक है इसके अंदर हमने जहाँ से छोड़ा था उसके आगे से शुरू करते हैं ठीक है तो हमने पिछली बार कहाँ पे छोड़ा था और आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे दो ठीक है तो मैं देख रहा हूँ कईयों ने आंसर हैं कई ने नहीं करे जिन्होंने नहीं करा है वो प्रीवियस वीडियो में जाएँ वहाँ पर रुकें आखिरी में और उन दोनों को सोल्व करें क्योंकि अब उसका हम चेक करेंगे कि किस किस सही है किस किस का गलत है ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन ये कह रहा था कि मेरे पास एक वाटर मेलन है ठीक है जिसका वेट है ना मेरा वो कितना है थर्टी के है वेट थर्टी के है जिसके अंदर जो मेरा वाटर है वो कितना है नाइन्टी परसेंट है वाटर कितना है उसके अंदर नाइन्टी परसेंट है तो रिमेनिंग क्या होगा मास मास कितना है उसके अंदर टेन परसेंट क्या होता है इसके अंदर से कुछ वाटर इवेपोरेट हो जाता है उसको धूप में रखा या कहीं भी रखा उसका वाटर इवेपोरेट हो जाता है कुछ ठीक है अब उसके अंदर जो वाटर है ना वो सेवेंटी रह जाता है अब इसके अंदर वाटर कितना रह जाता है सेवेंटी परसेंट अगर वाटर सेवेंटी परसेंट है तो इसका मास कितना रह गया होगा अब थर्टी परसेंट सिंपल सी बात है और पूछा कि कितना वाटर वेपोरेट हुआ उसके लिए इसका टोटल इसका टोटल वेट में से इसका टोटल वेट माइनस कर देते हैं तो इसका टोटल वेट निकालते हैं इसके अंदर से कोई ऐसी चीज़ है जो दोनों बारी में चेंज ना हुई हो जो पहले जितनी थी अभी भी उतनी हो ऐसी कोई चीज़ है ये रहा मास पहले जितना था अब भी उतना ही है ना मैं मास ऐड हुआ है ना सबट्रैक्ट हुआ है देखो वाटर इवेपोरेट हुआ है इवेपोरेट क्या हुआ है हमारा वाटर इवेपोरेट हुआ है मास में चेंज नहीं हुआ है ठीक है मास में चेंज नहीं हुआ है अगर अब मैं ये कहता हूँ कि पहले टेन परसेंट मास था मास था मतलब थर्टी के का टेन परसेंट मास था तो इसके अंदर मास कितना हो गया मेरा थ्री के जी यहाँ पर मास कितना आ गया इसका थ्री के जी अब वो थ्री के जी ही इसके अंदर होगा ठीक है मास कितना है थ्री के जी लेकिन वो थ्री के जी अब कितने के बराबर है थर्टी परसेंट के अब मेरा थर्टी परसेंट थ्री के जी के बराबर है तो मेरा हंड्रेड परसेंट हंड्रेड परसेंट किसके बराबर हो जाएगा टेन के जी के ये टेन के जी क्या है इस माटर वाटर मेलन का वेट आ गया वेट कितना आ गया मेरा टेन के जी पहले तीस किलो का था अब दस किलो का रह गया तो बीच में जो डिफरेंस आया है वो किसकी वजह से आया है वाटर इवेपोरेट होने की वजह से तो वाटर कितना इवेपोरेट हो गया मेरा ट्वेंटी के ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया कितना वाटर इवेपोरेट हो गया मेरा ट्वेंटी के देखो आसान सा क्वेश्चन था जो चीज़ कॉन्स्टेंट होती है दोनों में जिसके अंदर हमने ना कुछ ऐड करा है ना कुछ सब्ट्रैक्ट करा था उसको पकड़ लेते हैं और उससे कर देते हैं बहुत ही आसान हो जाता है क्वेश्चन ठीक है जिन्होंने नहीं करा है वो अभी भी कर लें अभी भी फायदा होगा क्योंकि अभी आप खुद से ट्राई करोगे तो आपको पता चलेगा कि मेरे को कितना आता था कितना नहीं आता था ठीक है तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा था हमारा कि एक आदमी है एक आदमी है ठीक है वो कुछ पैसे अपने इनकम है उसकी कोई ठीक है और वो अपनी इनकम का फोर्टी परसेंट ठीक है फूड पे खर्च कर देता है वो क्या करता है उसकी इनकम थी ठीक है इनकम में से क्या करता है वो फूड पे खर्च कर देता है कितना फोर्टी परसेंट ठीक है और जो रिमेनिंग हो जाता है ना अब जितना बचता है रिमेनिंग का ट्रांसपोर्ट पे खर्च करता है कितना ट्रांसपोर्ट पे खर्च कर देता है रिमेनिंग का वन बाय थर्ड ठीक है उसके बाद ये कहता है कि उसके पास कुछ बैलेंस बचता उसके पास क्या बचता बैलेंस बचता लेकिन वो उसमें से भी कुछ खर्च कर खर देता है कहाँ करता है उसको हमने उसने हमें बताया नहीं ठीक है लेकिन आखिरी में जाके उसकी सेविंग हो जाती है पैंतालीस सौ रुपये की उसकी सेविंग कितनी हो जाती है पैंतालीस सौ रुपये की अब ये कह रहा है कि इतने के बाद उसकी सेविंग हुई है जो पैंतालीस सौ रुपये की ठीक है ये किसके बराबर है ये है हमारा हाफ द बैलेंस किसके बराबर है हाफ द बैलेंस और कौन से बैलेंस आफ्टर स्पेंडिंग ऑन फूड एंड ट्रांसपोर्ट फूड और ट्रांसपोर्ट पे खर्च करने के बाद जितना बैलेंस बच जाता है वो कितना है उसका पैंतालीस सौ इसका मतलब है फूड और ट्रांसपोर्ट पे खर्च करने के बाद उसका बैलेंस कितना बचा होगा नौ हजार उसका बैलेंस कितना बचा होगा नौ हजार क्योंकि ये किसका इसका आद, बैलेंस का आधा पैंतालीस सौ तो बैलेंस कितना गया नौ हजार ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो अब हमें क्या निकालना है हमें इनिशियल निकालना है इनिशियल किसके बराबर होता है फाइनल इन टू में हंड्रेड अपॉन में हंड्रेड माइनस में एक्स वन इन टू में हंड्रेड अपॉन में हंड्रेड माइनस में एक्स टू यही था हमारा ठीक है तो एक काम कर लेते हैं इसके अंदर ही पुट कर देते हैं और डायरेक्ट निकाल लेते हैं अब जिस तरह से फाइनल कितना है अगर मैं ये कहता हूँ कि फोर्ड पे 40 परसेंट खर्च करा ट्रांसपोर्ट पे वन बाई थर्ड वो वन बाई थ्री खर्च कर दिया रिमेनिंग का और अब उसके पास बैलेंस बच गया नौ हज़ार इसका मतलब है जो आगे वाला डाटा है ये जो ये मैंने यूज़ कर लिया इसके बाद अब ये यूजलेस हो गया मेरे लिए अब किसी काम का ही नहीं है ये डाटा नीचे वाला यही काम का था तो इनिशियल निकालना है तो फाइनल कितना हो गया नौ मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड अपॉन में हंड्रेड माइनस में फोर्टी ये कितना हो जाएगा सिक्सटी इन टू में देखो रिमेनिंग निकाल रही है ना इसका मतलब है वन थर्ड था ठीक है तो यहां पर कितना हो जाएगा ये टू बाई थ्री बचा हुआ ठीक तो अब इसको सीधी सी बात है डिवाइड कर देती हैं ठीक ये कितना हो जाएगा इसको काट देगा कितने पर ट्वेंटी पे ये सो काट देगा कितने पे फाइव पे ये इसको कितने पे डिवाइड कर देगा फोर फिफ्टी पे और फोर फिफ्टी को अगर हम फाइव से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमको देगा टू टू फाइव जीरो और एक ज़ीरो और आनी चाहिए थी ये आ गया इसका मतलब क्या है ये बाईस हजार पाँच सौ रुपये उसकी इनकम थी देखो दोनों क्वेश्चन बड़े ही आसान हैं और दोनों ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं देखो स्टेटमेंट बढ़ा के कन्फ्यूज तो वो करेगा ठीक है क्योंकि उसके पास और कुछ बचा नहीं है ना बाकी सब तो आप कर दोगे अच्छे से ठीक है ये सब हो गया अब चलते हैं आज वाले टॉपिक पे अब जिन जिन के चार चार नंबर आ रहे हैं पूरे पूरे आ रहे हैं सही सही आ रहे हैं उनके लिए वेरी गुड क्योंकि भैया आप तो अब देश का भविष्य बनने जा रहे हो क्योंकि आप सारे पेपर निकालोगे क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं ना अगर मान लो ये आपके सेट में आए हुए थे होते परसेंटेज से ठीक है तो आपने कर दिए होते ठीक है परसेंटेज कर लो परसेंटेज जैसा ही सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट ठीक है प्रॉफिट लॉस ठीक है डिस्काउंट ये सब परसेंटेज बेस पे ही है वो कोई नई चीज़ नहीं है ठीक है अब इसके अंदर नए क्वेश्चन देख लेते हैं नई टाइप नई टाइप ये कहती है मान लो एक ऑफिस है ये कहता है इन एन ऑफिस इफ़ फोर्टी सेवन परसेंट पीपल पीपल कह दो वर्कर कह दो ये कहते हैं लाइक्स कॉफ़ी लाइक्स टी 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 ज़्यादा पसंद करते हैं सैंतालीस परसेंट क्या करते हैं चाय पसंद करते हैं एंड फोर्टी टू परसेंट लाइक्स कॉफी एंड फिफ्टीन परसेंट पीपल Likes both tea and coffee. You can find the percentage of people who do not drink tea or. कॉफ़ी ये कहता है एक ऑफिस के अंदर सैंतालीस परसेंट ऐसे लोग हैं जो चाय पीना पसंद करते हैं और बयालीस परसेंट ऐसे लोग हैं जो कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं ठीक है और पंद्रह परसेंट ऐसे लोग हैं जिनको चाय दे दो तो भी ठीक है या कॉफ़ी दे दो तो भी ठीक है मतलब वो दोनों चीज़ें पीते हैं इसका मतलब है ये पंद्रह परसेंट इसको भी इसके अंदर भी आ गई और उसके अंदर भी आ गई ठीक है तो ये कहता है कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ पीपल हो डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफ़ी जो मतलब चाय भी नहीं पीते हैं और कॉफ़ी भी नहीं पीते हैं मान लो अगर मैं एक ये बना देता हूँ ये बना दिया मैंने चाय वालों के लिए ठीक है और ये बना लेता हूँ मैं कॉफ़ी के लिए मतलब इस जो हरे गोले के अंदर है ना इसका मतलब है ये सारे लोग वो हैं जो मेरी टी पीते हैं जो ड्रिंक करते हैं टी ठीक है और जो ये ब्लैक के अंदर है ना ये सारे लोग कौन हैं जो पीते हैं कॉफ़ी ये कौन है जो कॉफी पीते हैं ठीक है और जो ये बीच में महाशय हैं ना ये ऐसे हैं जिनको पीने से मतलब है उन्हें कुछ मतलब नहीं है तो उसे क्या दे रहे हो ठीक है ये आ गए बोथ ठीक है तो टी वाले कितने हो गए हमारे फोर्टी सेवन परसेंट ये टोटल टोटल फोर्टी सेवन परसेंट मतलब इस गोले के अंदर जितने भी है ना वो हो गए फोर्टी सेवन परसेंट मान लो एक काम कर लेता हूँ इस गोले को इंडिकेट करके ये लिख दिया मैंने फोर्टी ठीक है और कॉफी पीने वाले कितने हो गए मेरे फोर्टी टू परसेंट बोथ वाली संख्या कितनी आ गई हमारी फिफ्टीन परसेंट अब देखा जाए तो अगर इस पूरे सर्कल में से हरे वाले सर्कल की बात करते हैं इसमें से अगर फिफ्टीन परसेंट इतना एरिया फ़िफ्टीन परसेंट है और पूरा एरिया फोर्टी सेवन परसेंट है तो ये कितना आ जाएगा ठीक है ये वाला ये फोर्टी सेवन में से फिफ्टीन सपरेट कर देता हूँ कितना आ गया ये थर्टी टू मतलब थर्टी टू परसेंट ऐसे लोग हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ टी पीते हैं जो कॉफ़ी को हाथ तक नहीं लगाते हैं ठीक है इसके बाद अगर मैं देखता हूँ इस एरिया के अंदर आ जाते हैं इसके अंदर ये वाला एरिया बताओ कितना होगा यहाँ से ये वाला ठीक है तो फोर्टी में से कितना हो जाएगा फिफ्टीन सपरेट कर देते हैं तो कितना आ गया मेरा ट्वेंटी सेवन परसेंट मतलब ट्वेंटी सेवन परसेंट ऐसे हैं जो सिर्फ जाएंगे तो कॉफ़ी ही कॉफ़ी पियेंगे ठीक है वो टी को ड्रिंक नहीं करेंगे और ये पंद्रह परसेंट ऐसे होते हैं जो देखते हैं भाई कॉफ़ी वाले में ज़्यादा लाइन है तो चाय पी ली चाय वाले में ज़्यादा लाइन है तो कॉफ़ी पी ली ठीक है तो अगर मैं आपसे ये पूछूँ कि उन लोगों की संख्या बताओ तो अब उन लोगों की संख्या बताओ जो आम खाते हैं ठीक है तो अब देखो अब हमें वो बताने हैं जो या तो टी पियेंगे या फिर कॉफ़ी पियेंगे ठीक है या तो मतलब उन्हें कुछ ना कुछ तो पीना ही है इन दोनों में से तो वो देखते हैं हम जो टी और कॉफ़ी मतलब या तो टी या फिर कॉफ़ी पीते हैं उनकी संख्या कितनी हो जाएगी उसको निकालने के अब हमारे पास दो तरीके हैं या तो सीधा से थर्टी टू प्लस में फिफ्टीन प्लस में ट्वेंटी सेवन कर दूँ ठीक है तो ये कितना हो जाएगा इन सबको ऐड करो ठीक है ये हो जाएगा मेरा फोटी ये कितना हो गया फोर्टी टू फोर्टी टू के अंदर थर्टी टू और ऐड कर देंगे ये कितना आ गया मेरा सेवेंटी फोर ठीक है ये हो गया मेरा पहला तरीका कि मैंने थर्टी टू फिफ्टीन और ट्वेंटी सेवन को ऐड कर दिया दूसरे तरीके के अंदर क्या करते हैं हम फोटी सेवन और फोर्टी टू इन दोनों को ऐड कर लेते हैं क्या कर लेते हैं फोर्टी सेवन और फोर्टी टू इन दोनों को ऐड कर लेते हैं और इसमें से ये फिफ्टीन परसेंट इसके अंदर भी आया है और इसके अंदर भी दो बार आ रहा है ना हम एक ही बार चाहिए था तो एक बार सप्ट्रैक्ट कर लेंगे इन दोनों को ऐड करके माइनस में फिफ्टीन कर लेंगे ठीक है फिर से वही वाली बात बन जाएगी फोर्टी सेवन में से फिफ्टीन सप्ट्रैक्ट होंगे कितना बच जाएगा थर्टी टू थर्टी टू प्लस में फोर्टी टू कर देंगे ये कितना बन गया मेरा सेवनटी फोर परसेंट ठीक है आपकी मर्जी है आप ऐसे इन तीनों को ऐड कर लो या फिर इन दोनों को ऐड करके इसको सप्ट्रैक्ट कर लो ठीक है या फिर इसको ये पूरा फोर्टी टू है ना फोर्टी टू में सिर्फ एक ही ऐड कर लो ठीक है या फिर ये फोर्टी सेवन फोर्टी सेवन में ट्वेंटी सेवन ऐड कर लो ठीक है आपके ऊपर है आपको कहाँ से कैसे क्या आसान लगता है मतलब अब उस ऑफिस के अंदर ऐसे हैं सेवेंटी फ़ोर परसेंट ऐसे हैं या तो वो चाय पीते हैं या वो कॉफ़ी पीते हैं ठीक है मतलब कुछ ना कुछ ड्रिंक करते हैं अब उसने क्या पूछा है हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफ़ी ऐसे लोगों की संख्या बताओ जो ना तो टी पीते हैं ना कॉफ़ी तो वो कौन से हो जाएंगे मतलब हंड्रेड परसेंट लोग थे जिसमें सेवेंटी फोर परसेंट कुछ ना कुछ पीते हैं तो ना पीने वालों की संख्या कितनी आ गई मेरी ट्वेंटी सिक्स परसेंट ट्वेंटी सिक्स परसेंट कैसे लोग हैं ऐसे जो कुछ भी नहीं पीते ना टी ना कॉफ़ी अब इसी क्वेश्चन को कैसे चेंज कर देगा और क्या क्या पूछ सकता है इसके अंदर अब वो आपसे ये पूछ सकता है कि अगर टी या कॉफ़ी पीने वालों की संख्या अगर मेरी कितनी है थर्टी सेवन परसेंट है वो सैंतीस सौ है टी और कॉफ़ी पीने वालों की संख्या कितनी है मेरी चौंतीस सौ है तो मेरे को बताओ कि उस ऑफिस में टोटल कितने लोग काम करते हैं ठीक है क्या है क्वेश्चन कि अगर टी या कॉफ़ी पीने वालों की संख्या सैंतीस सौ है तो मेरे को ये बताओ उस ऑफिस में कितने ऐसे लोग हैं कितने लोग काम करते हैं पहला क्या हो गया हाउ मैनी पीपल आर देयर हाउ मैनी पीपल आर दे ठीक है दूसरा क्वेश्चन क्या बन जाएगा इसके अंदर हाउ मैनी पेपर डू नॉट ड्रिंक एदर टी और कॉफी ठीक है ये बताओ अब ये क्या बतानी है हमें इनकी संख्या बतानी है अब सीधी सीधी बात है हमारा सेवेंटी फोर परसेंट किसके बराबर आ गया थ्री सेवन जीरो जीरो के तो यहाँ से हम हंड्रेड परसेंट निकाल लेंगे ठीक है और वो हंड्रेड परसेंट आ जाएगा तो या फिर वन परसेंट आ जाएगा और उससे ट्वेंटी सिक्स निकाल देंगे अब यहाँ से आपसे एक और दे सकता है ये तो था ये सैंतीस सौ लोग कौन थे जो कुछ ना कुछ पीते थे टी या कॉफ़ी पीते थे ये वो थे ठीक है इसके लिए हमें हंड्रेड परसेंट निकालना पड़ेगा इसके लिए हमें ट्वेंटी सिक्स परसेंट निकालना पड़ेगा ठीक है अब वो ये दे सकता है कि अगर नाउ ये बताओ अगर बावन सौ लोग ऐसे हैं जो टी या कॉफ़ी नहीं पीते टी या फिर कॉफ़ी को नहीं पीते वो ठीक है वो कैसे हैं कितने हैं बावन सौ तो उस ऑफिस में टोटल कितने लोग काम करते हैं वो बताओ या फिर उन लोगों की संख्या बताओ जो पीते हैं टी और कॉफ़ी जो क्या करते हैं टी या फिर कॉफी को ड्रिंक करते हैं स्टार्टिंग वाली स्टेटमेंट ये ही है ये फाइंडिंग वाली है ये बावन सौ दे दिया ना ये फाइंडिंग में है मतलब मेन क्वेश्चन यहां तक तो चलेगा ही ठीक तो इसको कर लिया चेंज क्या है डाटा देके आपसे वैल्यू निकलवा लेगा अगर ये दे देगा कि बावन सौ नहीं पीते तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा मेरे को ट्वेंटी सिक्स परसेंट यहां तक तो मेरे को करना पड़ेगा ट्वेंटी सिक्स परसेंट कर लिया ट्वेंटी परसेंट किसके बराबर आ गया फाइव टू जीरो जीरो के ठीक है यहाँ से मैं हंड्रेड परसेंट निकाल लूँगा और टी और कॉफी पता करने वालों के लिए कि इनकी संख्या पता करने के लिए मैं सेवेंटी फोर परसेंट निकाल लूँगा एक परसेंट निकाल के सेवेंटी फोर परसेंट निकाल लूँगा ठीक है ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको सबसे अच्छे इंसान होते हैं भैया जो कुछ भी मिल जाए वो ही पी लेते हैं वैसे पीनी नहीं चाहिए ना टी ना कॉफ़ी ठीक है चलो ठीक है ये बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर कि कितने लोग हैं आप में से कितने हो जो टी को प्रीफ़र करते हो और कितने हैं जो कॉफ़ी को प्रीफर करते हैं देखते हैं कौन सा जीतता है ठीक है देखते हैं कौन सा जीतता है और कुछ जो पंद्रह परसेंट बहुत है ना वही कहते हैं क्यों भाई थारे घर में दो ना है दोनों लिया पहले चाय लिया फिर कॉफ़ी लिया ठीक है तो इसी बेसिस के ऊपर एक क्वेश्चन और करते हैं ठीक है थीके? जो ये कहता है कि अगर एक एग्ज़ाम होता है जिसके अंदर सेवेंटी परसेंट स्टूडेंट इंग्लिश के अंदर पास होते हैं ये कहता है क्वेश्चन इन एन एग्ज़ाम इफ सेवेंटी परसेंट स्टूडेंट पास्ट इन इंग्लिस एंड एट्टी परसेंट स्टूडेंट्स पासिस इन मैथ्स भैया हम मैथ्स के टीचर हैं तो मैथ्स में ज़्यादा पास करवाएंगे ना सीधी सी बात है और ये कहता है अगर टेन परसेंट फेल्ड इन बोथ एंड टेन परसेंट फेल्ड इन बोथ ठीक है देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ पास्ट स्टूडेंट्स ठीक है ये कहता है कि एक एग्जाम एक देने जाते हैं और सत्तर परसेंट विद्यार्थी हैं वो हमारे इंग्लिश के अंदर पास हो जाते हैं जिस तरह हमारे आई बी पी एस का पेपर होता है ठीक है उसके अंदर सब के अंदर क्वालिफाई करना पड़ता है ना जैसे इंग्लिश के अंदर अलग ठीक है मैथ के अंदर अलग और एप्टीट्यूड रीजनिंग के अंदर अलग ठीक है तो उसी तरह एक, एक एग्ज़ाम था जिसके अंदर सत्तर परसेंट स्टूडेंट किसके अंदर पास हो गए इंग्लिश के अंदर एट्टी परसेंट पास हो गए मैथ के अंदर और टेन परसेंट ऐसे थे जो बोथ में फेल हो गए दोनों में ठीक है तो हमें वो बताना है कि टोटल परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट पासड कि कितने उस एग्ज़ाम के अंदर कितने बच्चे पास हुए हैं देखो हमें सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है इन क्वेश्चनों के अंदर जो ये बोथ होता है ना इसके अंदर हमें सारा वैल्यू चाहिए अगर बोथ वाला कह रहा है फेल ठीक है तो हम सब कुछ फेल में कन्वर्ट कर देंगे ठीक है सब कुछ फेल में इसका मतलब है इसने क्या लिखा सत्तर पास इन इंग्लिश तो हम निकालेंगे फेल्ड इन इंग्लिश कि इंग्लिश में कितने फेल हो रहे हैं उनकी संख्या कितनी आ जाएगी अगर सत्तर परसेंट हो रहे हैं पास तो थर्टी परसेंट इंग्लिश के अंदर फेल हो रहे हैं ये किसने कहीं मैथ के अंदर कितने पास हो रहे हैं तो हम क्या निकाल देंगे फेल इन मैथ इनकी संख्या कितनी आ जाएगी ट्वेंटी परसेंट और बोथ की जो दोनों में फेल है वो तो टेन परसेंट दे रखा है तो वापस से हम अपना बना सकते हैं गोले गोले दो गोले बढ़िया बढ़िया गोले देखो करने को तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो इन दोनों को ऐड करके ये माइनस कर दो पेपर के अंदर मैं नहीं कहूँगा कि आपको गोले बनाने हैं नहीं पेपर के अंदर आपको गोले नहीं बनाने कुछ भी नहीं लिखना है पेपर के अंदर अगर आप इस क्वेश्चन को सोल्व करने जाओगे ना तो आपको सीधा क्या करना है इन दोनों को ऐड करना होता है और इसको सपरेट करना होता है ठीक है बीस में से दस गया दस बचा तीस के अंदर दस जोड़ दिया चालीस चालीस परसेंट ऐसे स्टूडेंट हैं जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में फेल हुए हैं या तो वो इंग्लिश में फेल हुए हों या फिर वो मैथ में फ़ेल हुए हों ठीक है मतलब किसी एक ना एक सब्जेक्ट के अंदर वो फेल हुए हैं वो उनकी संख्या कितनी आ गई चालीस परसेंट समझने के लिए देख लो कि इंग्लिश में फेल हुए थे तीस परसेंट टोटल मैथ के अंदर फेल हुए थे बीस और ये थे दस तो इतने एरिया वाले कितने हो गए मेरे बीस ठीक है इस चीज़ के अंदर आने वाले कितने हो गए दस और ये दस तो बीस दस दस चालीस परसेंट फेल हो रहे हैं यह है समझने के लिए समझने के लिए पहले बड़ा कर लो कोई दिक्कत नहीं है बाद में हमें डायरेक्ट करना है बाद में तो सीधा ये देखोगे तीस फेल्ड देख लिया ये कितना है तीस वो बीस पचास पचास में से दस गया चालीस सीधा चालीस परसेंट फेल हो गए तो पास कितने हो गए अगर चालीस परसेंट स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंग्लिश या मैथ किसी में फ़ेल हो रहे हैं तो पास वाले कितने हो जाएंगे टोटल सौ परसेंट देने आए थे चालीस परसेंट फेल हो गए तो पास कितने हो गए साठ परसेंट मतलब साठ परसेंट स्टूडेंट उसके अंदर हमारा एग्ज़ाम पास कर गए ठीक है अगर अब इसी के अंदर ये कह दें ठीक है इसके अंदर क्या कह दे इफ एट्टी फोर स्टूडेंट पास इन द एग्जाम क्या कह दे अब संख्या दे देता है आके इफ एट्टी फोर स्टूडेंट्स पास इज द एग्जाम देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स ठीक है या फिर अपियड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीड इन द एग्ज़ाम ठीक है लैंग्वेज वो अपने हिसाब से लिख सकता है लेकिन उसकी भावनाएं यही है कि भैया कितने विद्यार्थियों ने एग्ज़ाम दिया था ठीक है कि कितने विद्यार्थी थे इसका मतलब है एट्टी फोर स्टूडेंट पास कर रहे हैं ना और सिक्सटी परसेंट हमने निकाल लिया इसका मतलब है जो मेरा सिक्सटी परसेंट है वो किसके बराबर हो गया एट्टी फोर के तो यहाँ से सीधी सी बात है टेन परसेंट निकाल लूँगा टेन परसेंट कितने के बराबर आ जाएगा सिक्स वन जै सिक्स ट्वेंटी फोर फोर पर चला जाएगा ठीक है और हंड्रेड परसेंट कितने के बराबर आ जाएगा मेरा वन फोर्टी के इसका मतलब है वन फोर्टी एग्जाम देने आए थे जिसमें से एट्टी फोर पास हुए हैं और जो रिमेनिंग है मेरे ठीक है फिफ्टी सिक्स परसेंट वो मेरे फेल हो गए ठीक है ये आ गया आपको अच्छे से समझ में ठीक है तो आगे चलते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो भैया चांदी चांदी है सोना सोना है हीरे जवाहरात सब कुछ है ठीक है इसके अंदर भी ध्यान रखने वाली बात क्या है जो नोट वाली चीज़ होती है ना जो बोथ में जो भी देता है पास या फेल हमें वो निकालना होता है अब ये कहता है कि अगर एक जगह का हमने सर्वे करा और जिसमें से सत्तर परसेंट लोग इंग्लिश बोलते हैं ठीक है इन सर्वे इट इज़ फाउंडट सेवेंटी परसेंट पीपल स्पीक्स इन इंग्लिश ये कहता है कि हमने एक सर्वे करा जिसके अंदर हमने ये ज्ञात करा कि सत्तर परसेंट लोग इंग्लिश भाषा का प्रयोग करते हैं और एंड Sixty five per cent speaks in Hindi and twenty seven per cent do not speak either Hindi or English. ठीक है देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ पीपल हु स्पीक्स ईदर हिंदी और इंग्लिश ठीक है ये कहते हैं एक सर्वे करता है जिसके अंदर सत्तर परसेंट लोग ऐसे होते हैं जो अंग्रेज़ी भाषा के अंदर बोलते हैं और पैंसठ प्रतिशत ऐसे हैं जो हिंदी भाषा के अंदर बोलते हैं और सत्ताईस परसेंट ऐसे हैं जो इन दोनों में से किसी भी भाषा का प्रयोग नहीं करते तो वो बताओ जो आइदर बोलते हो हिंदी और इंग्लिश डू नोट की बात कर दी ना इसने डू नोट डू नोट सत्ताईस दे दिया ना डू नोट के अंदर तो इसका मतलब है कि वो लोग बताओ जो इंग्लिश नहीं बोलते हैं इंग्लिश नहीं बोलने वाले कितने आ गए थर्टी और हिंदी ना बोलने वाले कितने आ गए मेरे थर्टी फाइव परसेंट और इंग्लिश और हिंदी ना बोलने वाले इंग्लिश और हिंदी ना बोलने वाले वो कितने हैं मेरे ट्वेंटी सेवन ठीक है तो अब वो बता दो कि भैया जो बिल्कुल या तो हिंदी ना बोलते हो ठीक है या तो हिंदी और इंग्लिश ना बोलते हो उनकी संख्या बता दो ठीक है उनकी संख्या कितनी आ जाएगी देखो क्या बताया था इन दोनों को ऐड करना है और इसको सपरेट करना है तो एक काम कर लेते हैं थर्टी में से ट्वेंटी सेवन सेपरेट कर लो कितना आ गया थ्री थर्टी फाइव के अंदर थ्री ऐड कर दो तो ये आ गया थर्टी एट थर्टी एट परसेंट ऐसे लोग हैं जो ना तो हिंदी बोलेंगे भैया ना इंग्लिश बोलते हैं ठीक है थीके? वो अपनी अपनी भाषाएँ बोलते हैं ठीक है नो बोला तुम मिल कौन मैं इतना बताऊँ मैं वो मतलब वो आ गए अड़तीस परसेंट ठीक है खोपचे में आता तो। हूँ मतलब अड़तीस परसेंट आ गए वो ठीक है भावना तो तुम समझ गए हो क्योंकि वो अब तक ठीक है इसका मतलब है वो बताने जो हिंदी या इंग्लिश बोलते हैं तो 100 में से 32 टू सप एट सब कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा मेरा 62 परसेंट आ गया 62 परसेंट आ गया अगला क्वेश्चन यही दे सकता है अब 62 का देख लो कि इकतीस सौ लोग ऐसे हैं जो हिंदी या फिर इंग्लिश बोलते हैं तो सर्वे कितने लोगों पर हुआ है ठीक है या फिर अब इसके अंदर दे देगा कि एक इतने लोग हमारे हिंदी और इंग्लिश बोलते हैं तो बताओ कितना होगा ठीक है मतलब डाटा दे सकता है इसके आगे और क्वेश्चन पूछ सकता है ठीक है और डाटा तो वो कुछ भी दे सकता है मतलब आपको इक्वेट करना आना चाहिए ठीक है या फिर वो यहाँ पर भी दे सकता था कि अड़तीस सौ लोग ऐसे हैं जो हिंदी और इंग्लिश में से कोई सी भाषा नहीं बोलते ठीक है कहीं पे भी डाटा दे सकता है इसके लिए डाटा दे सकता है इसके लिए डाटा दे सकता है इनके लिए तो देगा नहीं अगर इनके लिए देगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाता है उसके अंदर तो हमें ये सब कुछ ये सब कुछ करना ही नहीं पड़ेगा तो आपको ये वाली टाइप अच्छे से आ गई होगी इसके अंदर एक ही मेन बात है कि जो डू नोट होता है ना जो बोथ वाले होते हैं हमें सारी चीज़ें उसी के अंदर कन्वर्ट करके निकालनी पड़ती हैं और हम पेपर के अंदर डायरेक्ट ही माइनस कर देंगे ठीक है अभी समझने के लिए कर लो पेपर के अंदर तो मैं चाहता हूँ आप इससे भी छोटा करो जो बताया उससे भी छोटा करो वो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है ठीक है अब अगला क्वेश्चन देखते हैं ये कहता है इफ़ एक्स परसेंट ऑफ ए इज़ सेम एज वाई परसेंट ऑफ बी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड परसेंट ऑफ बी ये निकालना है हमें यह क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन ये कहता है कि अगर x परसेंट ऑफ a इज सेम एज वाई परसेंट ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ z परसेंट ऑफ b। देखो इसको क्वेश्चन को करो थोड़ा दिमाग लगाओ आसान सा क्वेश्चन है इसने जो जो बोला है वो उतनी देख लेते हैं पहले ये गिवन वाली बात है गिवन वाली बात लिख लेते हैं ये कहता है x परसेंट ऑफ a बराबर y परसेंट ऑफ b। परसेंट से परसेंट कट जाए क्योंकि इस परसेंट का मतलब क्या होता है वन बाय हंड्रेड वन से वन बाय हंड्रेड कट गया अगर मुझे यहाँ पे बी की वैल्यू निकालनी है तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी एक्स ए बाई वाई किसके बराबर आ गया मेरा बी के और हमें किसके निकालना है जेड परसेंट ऑफ बी इसका मतलब है बी की ये वैल्यू मैं अगर यहाँ पे पुट कर दूँ मेरा आंसर आ जाएगा तो जेड परसेंट परसेंट का मतलब क्या होता है वन बाई हंड्रेड तो हो गया जेड बाई हंड्रेड बी की वैल्यू कितनी हो गई एक्स ए बाई वाई हो गया एक्स ए बाई वाई तो ये क्या हो गया हमारा एक्स जेड ए बाय हंड्रेड वाई ठीक है यह आंसर क्या आ गया हमारा आंसर आ गया देखो इसने दिया सब कुछ अल्फाबेट्स के अंदर है ठीक है बस यही बात है इसी बात से डर लगता है वरना ये क्वेश्चन हमारे बहुत आसान होते हैं ठीक है अब क्वेश्चन लिखो इफ न्यूमरेटर of a fraction if numerator of a fraction increased by 20% and denominator of a fraction is decreased by 20% then the fraction then the fraction becomes 9 by a 9 by 16 then the fraction becomes 9 by sixteen find the value then find the original fraction ये कहता है अगर हम किसी एक fraction था मेरे पास p by q एक rational number है अगर उसके न्यूमरेटर को ऊपर वाली संख्या को 20 परसेंट से बढ़ा देते हैं और डिनोमिनेटर नीचे वाली संख्या को 20 परसेंट से घटा देते हैं तो जो मेरा नया फ्रैक्शन बनता है ना उसकी वैल्यू हो जाती है नाइन बाई सिक्सटीन तो हमें क्या करना है ओरिजिनल फ्रैक्शन निकालना है देखो इसका मतलब है अगर मेरा कोई भी फ्रैक्शन था एक्स बाई वाई ये मेरा फ्रैक्शन था ठीक है इसके अंदर क्या करा मैंने न्यूमरेटर को बढ़ा दिया बीस परसेंट से तो ये हो गया वन ट्वेंटी बाई हंड्रेड न्यूमरेटर ये हो गया और डिनोमिनेटर को क्या कर दिया मैंने ट्वेंटी परसेंट से डिक्रीज कर दिया तो ये क्या हो गया एट्टी बाई हंड्रेड हो गया तो इस तरह के क्वेश्चन में अब ये बताओ नीचे भी हंड्रेड ऊपर भी हंड्रेड दोनों के ये कट जाएंगे किसी काम के हैं तो मैं क्यों लिखूँ इनको नहीं लिखता ठीक है नहीं निकलता सीधा आ गया वन ट्वेंटी इंटू में एक्स अपॉन में एट्टी इंटू मे वाई जो चीज़ ज़रूरत नहीं है उसको लिखना क्यों उसे टाइम वेस्ट होता है और ये किसके बराबर होता है मेरा नाइन बाई सिक्सटीन के हो गया ये फोर्टी से डिवाइड करेंगे ये चला जाएगा थ्री पे फोर्टी से डिवाइड करेंगे ये हो गया टू पे थ्री बाई टू अब इससे ये डिवाइड हो गया थ्री इससे डिवाइड हो गया एट आंसर कितना आ गया मेरा एक्स बाय बाई कितना आ गया थ्री बाई एट मेरा ओरिजिनल फ्रैक्शन कितना था थ्री बाई एट ठीक है नहीं तो सीधी सी बात है मुझे पता चल गया इंक्रीज हो गया ट्वेंटी से डिक्रीज़ हो गया ट्वेंटी से तो ये हो गया वन ट्वेंटी बाई एट्टी मतलब थ्री बाई टू मतलब जो भी फ्रैक्शन था उसका थ्री बाई टू अब उसने चार ऑप्शन दे दिए मान लो जैसे मेरे को दे दिया चार बाय तीन दूसरा ऑप्शन दे दिया दो बाय पाँच तीसरा ऑप्शन दे दिया उसने तीन बाय आठ चौथा ऑप्शन दे दिया चार बाय तीन चार बाई तीन तो हो गया ठीक है तीन बाय चार ले लेते हैं चार ऑप्शन दे दिए ठीक है अब मैंने डायरेक्ट निकाल लिया कि मल्टीप्लीकेशन फैक्टर क्या है अब और दोनों हमारे उसका फ्रैक्शन का थ्री बाय दो इसको अगर मैं थ्री से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये ट्वेल्व बाई सिक्स हो गया ये भी नहीं दे रहा इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना हो जाएगा सिक्स बाई टेन ये भी नहीं देगा इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा नाइन बाई सिक्सटीन नाइन बाई सिक्सटीन नाइन बाई सिक्सटीन मैच कर गया बाय ऑप्शन से कर लो कैसे कर लो ठीक है तो ये वाली टाइप आ गई होगी इसके अंदर सारी टाइप ही ऐसी ही है इस क्वेश्चन के अंदर जितने भी क्वेश्चन बनेंगे ना सब ऐसे ही हैं मुद्दे की बात है अगर आप एक्स बाई वाई रखते हो ना तो यहाँ पे हंड्रेड हंड्रेड मत रखना ठीक है उससे क्या होगा आपकी कैलकुलेशन स्लो होती है और हम ये सब कुछ कर ही क्यों रहे हैं पहला बेस बनाने के लिए और उसके बाद कैलकुलेशन छोटी करने के लिए आपको जितने भी क्वेश्चन कराए हैं ना तो आपको उनको सारे पूरे मेथड से नहीं करने हैं मेरे को तो यहाँ पे सारे मेथड से कराने पड़ते हैं लेकिन एग्जाम के अंदर थोड़ी ना आपको मेथड लगाने हैं या फिर पूरी स्टेटमेंट लिखनी है अब उधर तो थोड़ी ना अपने पड़ोसी को समझाने बैठे अरे मेरे को आता है मैं समझाऊँगा तेरे को हलवा क्वेश्चन है ये ठीक <laughs> है अब ये कहता है अगर एक नंबर को मल्टीप्लाई करना था फाइव से क्वेश्चन इफ आ नंबर हैज टू बी मल्टीप्लाइड बाय फाइव बट बट रॉन्गली मल्टीप्लाइड बाय थ्री देन फाइंड द एर परसेंटेज ये कहता है कि एक नंबर था मुझे उसको पाँच से गुना करना था लेकिन मैंने गलती से उसको तीन से गुना कर दिया तो उसके अंदर मेरे को एरर परसेंटेज बताओ ठीक है मान लो यही था मेरा एक्स नंबर था एक ठीक है मुझे इसको पाँच से मल्टीप्लाई करना था तो रियल वैल्यू क्या आती है उसकी फाइव एक्स ठीक है लेकिन रोंग वैल्यू कितनी आई उसकी रोंग वैल्यू कितनी आई थ्री एक्स तो एरर कितना है एरर का मतलब होता है कमी गलती ठीक है तो एरर का मतलब होता है ओरिजिनल वैल्यू से कितनी वैल्यू मेरी डेविएट कर रही है कि जितना ओरिजिनल है उससे कितनी दूर जा रही है दो एक्स की दूरी पे जा रही है यह क्या एरर अब एरर निकालना किस पे होता है रियल वैल्यू पे रियल वैल्यू बोले तो फाइव एक्स टू एक्स डिवाइडेड बाई फाइव एक्स इन टू में हंड्रेड एक्स एक्स कट गया ये गया ट्वेंटी पे ये कितना आ गया मेरा फोर्टी परसेंट तो कितने का एरर कर दिया मैंने चालीस परसेंट का एरर कर दिया ठीक है अब इसी के अंदर आपको बात समझ में आ गई इसके अंदर आप डायरेक्ट कर सकते हो कैसे ये पाँच दिख रहा है ये तीन दिख रहा है दोनों का डिफरेंस लिख दिया दो बटा पाँच अब मुझे ये पता है एक बटा पाँच बीस परसेंट होता है तो दो बटा पाँच कितना हो गया चालीस परसेंट ऑप्शन में देखा राइट मार दिया ऑप्शन चालीस परसेंट ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ रखा है ठीक है सिर्फ स्टेटमेंट जिसको नहीं पता वो नहीं करता है ठीक है अब इसी के अंदर फिर क्या करा बच्चों को ये क्वेश्चन आने लग जाते हैं तो वो थोड़ा थोड़ा चेंज कर जाते हैं और बाकी जिसमें दिमाग होता है वो कर लेता है और हम आपके अंदर दिमाग पैदा कर देंगे ये कहता था एक नंबर को मल्टीप्लाई करना था फोर बाई फाइव से ठीक है लेकिन एक बच्चे ने उसको क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया फोर बाय फाइव बाय फोर से मल्टीप्लाई करना था उसने फोर बाय फाइव से मल्टीप्लाई कर दिया पहली स्टेटमेंट ये हो गई इसकी ठीक है इसी बात को दूसरे तरीके से हम ऐसे लिख सकते थे कि फ़ाइव बाय फोर से मल्टीप्लाई करना था बट उसने उसको डिवाइड कर दिया फाइव बाय फोर से ठीक है इसका मतलब है डिवाइड कर दिया फ़ाइव बाय फोर से इसका मतलब भी वही है कि मल्टीप्लाई कर दिया गलती से फ़ोर बाय फाइव से ठीक है क्योंकि जब डिवाइड का सिंबल को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो मेरा फ्रैक्शन कैसा होता है रेसिप्रोकल हो जाता है तो ये मल्टीप्लाई फोर बाय फाइव हो जाएगा मतलब वो एक ही बात को पता नहीं कितने ही तरीके से बोल सकता है ठीक है आपको थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी ही चाहिए मैथ की क्योंकि आपको मैथ के अंदर पचास नंबर लेकर आने हैं और दो में से दो लाने हैं अ नंबर हैज़ टू बी मल्टीप्लाइड बाई फाइव बाई फोर बट रॉन्गली मल्टीप्लाइड बाई फोर बाय फाइव तो एरर परसेंटेज निकालनी है ठीक है इसको पहले तरीका देख लेते हैं इसका वही लगेगा और फिर देखेंगे कि डायरेक्ट क्यों पेपर में कैसे करना है ये हो गया मतलब फोर बाय फाइव एक्स आंसर आना चाहिए था मेरा आंसर कितना आया मेरा फोर बाय फाइव एक्स ठीक है कितने अब ओरिजिनल वैल्यू क्या हो गई मेरी फाइव बाई फोर एक्स इन टू मे हंड्रेड परसेंट यही होगा ठीक है अब इसके अंदर हम क्या करेंगे यहाँ पे देखो इन दोनों का एल्शियम लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फाइव फाइव यहाँ पे लेंगे फोर फोर मल्टीप्लाई कर देंगे ठीक है अब देखो ये फाइव और फोर हो गया ये इधर जाएगा और ये फोर ऊपर जाएगा ठीक है तो नीचे भी क्या आ जाएगा इसका भी तो इसके अंदर इससे अच्छा है इसको सोल्व करोगे ना इससे अच्छा ये है अब ये फाइव बाई फोर और फोर बाय फाइव था फाइव बाई फोर फोर बाय फाइव ये था यहीं पर इनका हम क्या ले लेते हैं एलसीएम ले लेते हैं ठीक है ये फाइव इधर चला गया ये फोर इधर चला गया ये कितना हो गया ट्वेंटी फाइव और ये हो गया सिक्सटीन एक तरह से अब ये कह रहा है कि एक नंबर को पच्चीस से गुना करना था उसको सोलह से कर दिया तो एरर परसेंटेज बता दो भाई साहब ठीक है तो एरर कितना आ गया इसके अंदर नौ का एरर कितना आ गया नो का ये कितना हो गया नाइन बाई ट्वेंटी फाइव में हंड्रेड ठीक है ये गया चार पे ये आ गया मेरा छत्तीस परसेंट ठीक है अब आप एक काम करो इसको इस तरीके से निकाल लो अपने ओरिजिनल तरीके से तो अभी वही आंसर आएगा ठीक है आपने ये क्वेश्चन कर लिया अगर फ्रैक्शन में दे देता है फ्रैक्शन में दे देता है तो क्या करना है सबसे पहले नंबरों का एलसीएम लेके न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मतलब है मेरे को क्या है न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मतलब है अब मुझे उससे मतलब नहीं है अगर इसको भी मैं अगर फाइव इंटू में फाइव कर देता हूँ ठीक है सबको कर दिया मैंने तो अब एक बार बताओ ये ये और ये कट गए ठीक है तो क्यों ना मैं इस बात को डायरेक्ट लिख लूँ ठीक है तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा मेरा थर्टी सिक्स परसेंट ये चीज़ें ना पेपर के अंदर निकालने सीखनी नहीं होती कहीं बैठ के पेपर के अंदर मैंने इन्वेंट करी मैंने वो काम नहीं होता पेपर के अंदर इन्वेंट नहीं करते ठीक है पेपर के अंदर जो आता है ना उसको उसी तरीके से करते हैं और जल्दी से जल्दी करते हैं ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके अंदर क्वेश्चन लिखो साथ के साथ क्वेश्चन कहता है आ मैन इन्वेस्ट अ पार्ट ऑफ आ मैन इन्वेस्ट आ पार्ट ऑफ रुपीज दस हजार एट द रेट ऑफ एट द रेट ऑफ फाइव परसेंट ठीक है एंड रिमेनिंग एट सिक्स परसेंट द फाइव द फाइव परसेंट इन्वेस्टमेंट पार्ट Yields Rupees seventy six point five zero more than six percent investment. The amount invested at six percent is अमाउंट इन्वेस्ट एट सिक्स परसेंट ये कहता है कि एक मैन इन्वेस्ट करता है दस हजार रुपये को एक दस हजार रुपये का एक पार्ट ठीक है इन्वेस्ट करता है पाँच परसेंट पे और रिमेनिंग को करता है छह परसेंट पे तो जो पार्ट उसने पाँच परसेंट पर इन्वेस्ट करा होता है ना वो उसे छिहत्तर दशमलव पचास रुपये ज़्यादा देता है किसके मुकाबले सिक्स परसेंट जो इन्वेस्ट करता है एनुअली ये कह रहा है कि कितना अमाउंट उसने सिक्स परसेंट पर इन्वेस्ट करा था तो वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को सोल्व करो जल्दी से खुद करना है आपको ये ठीक है इस क्वेश्चन को करो इसका मतलब था ये दस हज़ार रुपये हैं इसको दो पार्ट में उसने निवेश कर दिया एक पाँच परसेंट पे और एक छः परसेंट पे मतलब उसने एक पार्ट ले लिया एक्स तो दूसरा पार्ट कितना हो जाएगा दस हज़ार माइनस में एक्स ठीक है इस एक्स को मतलब उसने पाँच परसेंट पे इन्वेस्ट कर दिया फ़ाइव परसेंट पे और इसको कितने पे कर दिया सिक्स परसेंट पे ठीक है एक को फाइव पर कर दिया और एक पे सिक्स कर दिया क्या ये दोनों इक्वल हैं मतलब इस x से जितना मेरे को पाँच परसेंट मिलेगा तो क्या इस राशि से छः परसेंट मिलेगा दोनों बराबर हैं नहीं नहीं सच्ची में क्या इसका छिहत्तर पॉइंट पचास ज़्यादा है तो इसमें से ऐड कर दूँ नहीं इसमें से सप्रेट कर दूँ ठीक है तो इसमें से सपरेट कर दिया मैंने सेवनटी सिक्स पॉइंट फाइव ज़ीरो तो क्या मैं इसको इक्वल बोल दूँ ठीक है अगर मैं इसमें से सपरेट कर रहा हूँ तो मैं इधर ऐड ही कर देता हूँ सेवनटी सिक्स पॉइंट फाइव ज़ीरो अब ठीक है मज़ा आ गया ठीक है तो एक काम करते हैं देखो इसके अंदर जो ये बात लिखी है ना इधर एक बात सीख लेते हैं पहले वो बात ये है कि जो ये परसेंट का सिंबल है जब ये किसी रकम से मल्टीप्लाई होगा तो ये खुद को चेंज कर लेता है वन बाय हंड्रेड में ठीक है और जब मैं इसको एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा ठीक है तो मैं इसको परसेंट में ही रखूंगा ठीक है क्या बात समझ में आई कि अगर ये इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं इसको वन बाय हंड्रेड कर दूंगा क्योंकि यहाँ पे भी परसेंट है ना मैं नहीं चाहता ना ये फाइव बाई हंड्रेड बने तो मैं वहाँ पे भी नहीं चाहता वो सिक्स एक्स बाय हंड्रेड बने ठीक है तो इसको करके देख लेते हैं यहाँ पे रफ में दस हज़ार इंटू में छः बाई सौ माइनस में सिक्स परसेंट ऑफ एक्स मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ ये ऐसे लिखना चाहता हूँ मैं इस यहाँ पे ये भी छः परसेंट है और ये भी छः परसेंट है दोनों सेम है यहाँ पे इसलिए है क्योंकि इसकी दो जीरो से इसकी दो जीरो कट जाएंगी ठीक है तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे पेपर के अंदर ये तो समझाने वाली बात थी तो इसको डायरेक्ट सोल्व करते हैं ये कितना हो जाएगा मतलब दस हज़ार का छः परसेंट कितना हो जाएगा छः सौ माइनस में सिक्स परसेंट टैक्स प्लस में छिहत्तर पचास बराबर पाँच परसेंट टैक्स ये इधर आके ऐड हो जाएगा इलेवन परसेंट एक्स वो उसके अंदर जुट जाएगा मतलब इलेवन परसेंट ऑफ एक्स किसके बराबर आ गया सिक्स सेवन सिक्स पॉइंट फाइव ज़ीरो आ गया तो अगर मुझे यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो 100% परसेंट टैक्स कितना हो जाएगा ये 11 इधर डिवाइड में चला जाएगा और 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 100% परसेंट टैक्स किसके बराबर हो जाएगा मेरा सिक्स सेवन सिक्स फाइव ज़ीरो डिवाइड बाई हंड्रेड मल्टीप्लाई बाई इलेवन मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड इससे ये कट गया और ये इस पर चला जाएगा कितने पर छः एक पाँच पे जाना चाहिए तो ये हो जाएगा सिक्स वन फाइव ज़ीरो हाँ सिक्स वन फाइव ज़ीरो बन गया मेरा ये ठीक है तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई मेरी सिक्स वन फाइव ज़ीरो ठीक है सिक्स वन फाइव ज़ीरो आ गया अब इसके अंदर से दस हज़ार माइनस में एक्स कर दूँ ठीक है दस हज़ार माइनस एक्स कर दूँ तो मेरे को छः परसेंट वाला मिल जाएगा मतलब इसमें से मेरे को दस हज़ार माइनस करने थे हज़ार में से डेढ़ सौ गए साढ़े आठ सौ ठीक है ये हो गया नौ नौ में से छः गए तीन अड़तीस पचास ठीक है किस किस ने ये क्वेश्चन खुद है और इस तरीके से कराए वेरी गुड ठीक है और जिसने ये क्वेश्चन है इस तरीके से उसको वेरी वेरी गुड ठीक है क्यों क्योंकि अगर मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है जो मुझे सिक्स परसेंट एक्सपे है तो डायरेक्ट यहाँ से सीधा एक्स की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से किसकी वैल्यू निकल जाएगी डायरेक्ट एक्स की वैल्यू निकल जाएगी हंड्रेड परसेंट ऑफ एक्स यहाँ से डायरेक्ट निकल जाएगा ठीक है यहाँ से पहले क्या निकाला है मैंने फ़ाइव परसेंट वाला दस हज़ार में से फाइव परसेंट वाला माइनस करा है तो मेरे को क्या निकला है छः परसेंट वाली अमाउंट निकली है ठीक है और अगर मैं डायरेक्ट छः परसेंट वाले को ही एक्स मान लेता तो डायरेक्ट ही एक्स की वैल्यू निकलती मेरी ठीक है दस हजार का पाँच परसेंट कितना हो जाएगा पाँच सौ ठीक है माइनस में पाँच परसेंट टैक्स वो उधर जाके के ग्यारह परसेंट टैक्स हो जाएगा पाँच सौ में से छिहत्तर पॉइंट पचास माइनस कर देते और उसको ग्यारह से डिवाइड कर देते आंसर आ जाता मेरा अड़तीस पचास ठीक है तो मेन बात ये है कर आप कोई से भी तरीके से सकते हो लेकिन जो चीज़ निकालनी है उसी को एक्स मान लोगे तो बाद का एक स्टेप कम हो जाएगा ठीक है वेरी गुड तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर देखो आपका परसेंटेज अब पूरा हो चुका है ठीक है आपको सारी टाइप बता दी है अब आपके ऊपर है कि आप उसको कितनी बार प्रैक्टिस करते हो और कैसे करते हो देखो अगर आप नोट्स भी नहीं बनाते ना और आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन तो सारे लिखे यहां पर ठीक है वीडियो चलाते रहो सिर्फ आंसर आंसर करते रहो ठीक है पहले तो क्वेश्चन ही लिखा जाता है उसके बाद खुद से आंसर कर लो ठीक है और जिसको लगता है वीडियो स्लो है वो वीडियो को वन पॉइंट फाइव की स्पीड पे चला लो टू की स्पीड पे चला लो वो तो आपके हाथ में है ठीक है अब क्वेश्चन लिखो आ नंबर एन इफ आ नंबर एन इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स ठीक है सच डेट सच डेट सम ऑफ फर्स्ट टू पार्ट्स इज इक्वल टू के परसेंट ऑफ थर्ड पार्ट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थर्ड पार्ट ये कहता है एक नंबर था एन उसको मैंने तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया पहले एक काम करो वीडियो को पोस्ट करो और खुद से करो ठीक है ये कहता है एक नंबर एन था उसको मैंने तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया ठीक है ए बी और सी ठीक है तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया इस तरह से कि जो पहले दो का सम है ना वो तीसरे के, के, के परसेंट के बराबर है मतलब ए प्लस में बी बराबर क्या हो गया के परसेंट और सी अब सी की वैल्यू बतानी है इन क्वेश्चनों का मतलब ये होता है के परसेंट और एन दो मेरे को अल्फ़ाबेट दिए हैं इसने मतलब जो मेरे को सी की वैल्यू है ना जो तीसरे की वैल्यू है वो मुझे एन और के के रिस्पेक्ट में बतानी है ए बी तो भैया मैंने खुद माने हैं नंबर को आप एक्स वाई जेड भी तो मान सकते हो ठीक है वो आपके ऊपर है मतलब ए प्लस बी बराबर क्या हो गया के परसेंट ऑफ सी हो गया ठीक है अब ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है एन के तो ए प्लस बी किसके बराबर हो गया एन माइनस सी तो यहाँ पर लिख देता हूँ एन माइनस सी इक्वल्स टू के सी बाई हंड्रेड परसेंटेज क्या होता है वन बाई हंड्रेड होता है अब ये सी इधर जाला जाएगा एन किसके बराबर आ जाएगा के सी बाई हंड्रेड प्लस में सी यहाँ से सी कॉमन ले लूँगा और इनका एल्शियम ले लूँगा तो ये क्या हो जाएगा के प्लस में हंड्रेड बाई हंड्रेड मुझे सी की वैल्यू निकालनी है तो इन सारी टर्म को एन के नीचे डिवाइड में भेज दूँगा तो सी किसके बराबर हो जाएगा हंड्रेड एन अपॉन में के प्लस में हंड्रेड थर्ड पार्ट किसके बराबर हो जाएगा हंड्रेड एन अपोन में के प्लस में हंड्रेड क्योंकि यहाँ पर मैंने सी माना है ना किसी ने ए बी सी माना है किसी ने इसको एक्स वाई जेड मान के सोल्व करा होगा किसने इसको पी क्यू आर मान के सोल्व करा होगा किसने इसको अल्फा बीटा गामा मान के सोल्व करा होगा ठीक है तो आंसर किस चीज़ में आएगा जो चीज़ दे रखी है उसकी फॉर्म में आएगा आंसर किसके फॉर्म में आएगा जो हमें दे रखा है एन और के एन और के में ही आंसर आना चाहिए इसके अलावा किसी में नहीं आना चाहिए ठीक है अब अगला क्वेश्चन देखते हैं ठीक है क्वेश्चन और देखते हैं इसके बाद आप मेरे को बता देना कि अगर आपको किसी टाइप के अंदर या कोई और टाइप रह गई हो या फिर किसी टाइप के अंदर आपको प्रॉब्लम है और आप चाहते हो कि उसके ऊपर और वीडियो बनाई जाए, ठीक है तो आप मेरे को बता देना कमेंट बॉक्स के अंदर उस पर और वीडियो बन जाएंगी क्वेश्चन ये कहता है प्राइस ऑफ आर्टिकल इज रिड्यूस बाय के परसेंट ये कहता है प्राइस ऑफ एन आर्टिकल Is reduced by k percent, then and pri reduced price is increased by k percent, and reduced price is increased by k percent. If present price is p by 100, find the initial price. फ करंट प्राइस इज पी बाई हंड्रेड देन फाइंड द इनिशियल प्राइस अब सीधी सी बात है जो इनिशियल प्राइस है वो किसकी फॉर्मेट में होगा एक है पी बाय हंड्रेड और के, मतलब के और पी के रिस्पेक्ट में होगा इनके अंदर क्या प्लस माइनस ऊपर नीचे क्या होगा वो देख लेते हैं अगर सबसे पहली बात तो है ये हमारी कि हमारा नम, जो आर्टिकल का प्राइस है वो रिड्यूस कर दिया पहले के परसेंट से फिर उसे बढ़ा दिया के परसेंट से ठीक है के परसेंट से और करंट प्राइस कितनी आ गई पी बाय हंड्रेड मतलब अगर कोई भी आर्टिकल है ये तो हमें पता ही है कि अगर कोई भी आर्टिकल है उसकी प्राइस को अगर हम के परसेंट से इनक्रीज़ या के परसेंट से डिक्रीज़ करते हैं या फिर सेम कोई भी के ले लो एक्स ले लो वाई ले लो जेड ले लो उससे करते हैं तो वो प्राइस फाइनली हमेशा कितनी होती है एक्स केयर बाई हंड्रेड परसेंट डिक्रीज़ होती है कितनी डिक्रीज होती है एक्स स्यर हंड्रेड परसेंट डिक्रीज़ होती है ठीक ये एक तरह से वही वाली बात है अगर आपकी सौ रुपये थी किसी वैल्यू चीज़ ठीक है अब मैं क्या करता हूँ इस पर दस परसेंट इनक्रीज़ कर देता हूँ दस परसेंट इनक्रीज़ कर देता हूँ ठीक है तो ये कितनी हो गई एक सौ दस पहले मैंने दस परसेंट इनक्रीज़ करी अब जो इनक्रीज़ प्राइस है अब मैं इसे दस परसेंट से डिक्रीज़ कर देता हूँ तो ये कितनी आ गई मेरी एक सौ दस का दस परसेंट ग्यारह हो जाता है तो एक सौ दस में से ग्यारह चला गया तो ये कितना आ गया नाइन्टी नाइन तो कितने परसेंट डिक्रीज़ हो गई फाइनल वन परसेंट से अगर इसी तरह से वापस ये हंड्रेड है इसको मैं क्या करता हूँ पहले दस परसेंट से डिक्रीज़ कर देता हूँ तो ये कितनी हो गई नाइन्टी फिर नाइन्टी को मैं टेन परसेंट से इंक्रीज़ कर देता हूँ नाइन्टी का टेन परसेंट कितना हो जाता है नाइन तो ये कितना हो गया नाइन्टी नाइन ये भी किससे हो गई डिक्रीज़ वन से ये देखो जब एक ही नंबर से मैं इंक्रीज या डिक्रीज़ करता हूँ तो खुद सोच के देखो मैंने छोटी वैल्यू अब मेरे को ये बता दो बस एक सौ दस और सौ में से छोटा कौन सा है सो छोटे वाली वैल्यू को तो मैंने दस परसेंट से बढ़ा दिया और बड़े वाले वैल्यू को दस परसेंट से घटा दिया तो फाइनल रिजल्ट ज़्यादा होगा कम होगा कम होगा वापस वही वाली बात है छोटी वाली वैल्यू थी बड़े वाली अब इसमें से देखो सौ और नब्बे में से बड़ी वैल्यू कौन सी है सो बड़े वाली वैल्यू को मैंने दस परसेंट से घटा दिया और छोटी वाली वैल्यू को दस परसेंट से बढ़ा दिया तो भैया किसका का दस परसेंट ज़्यादा होगा सौ का या नब्बे का नब्बे का ना ज़्यादा कम करा है मैंने तो वैल्यू हमेशा डिक्रीज़ होगी अगर यहाँ से भी समझ में नहीं आता तो ये देखो पहले बढ़ा रहा हूँ फिर घटा रहा हूँ ठीक है और फिर क्या हो जाता है माइनस एक्स स्क्र बाई हंड्रेड सबके साथ परसेंट होता है ये करा था ना ये कौन सा फॉर्मूला है एक्स प्लस वाई प्लस में एक्स वाई बाई हंड्रेड ये परसेंटेज निकालने के लिए था इन सबके साथ परसेंट होता है हम लिखते नहीं थे लेकिन परसेंट तो होता ही है ठीक है यहाँ पे इससे ये कट जाएगा आ गया ना माइनस में एक्स 100 परसेंट क्या सिंबल आया है साथ में परसेंट परसेंट नहीं छोड़ना है परसेंट नहीं छोड़ना है ये आ गया माइनस एक्स स्क्र बाय हंड्रेड परसेंट ठीक है डायरेक्ट जिस तरह से आपको समझ में आया आप उस तरह से समझ लो जिस तरह से आपका कंसर्ट बने उस तरह से बना लो ठीक है तो इसके अंदर भी यही है की एक वैल्यू थी जिसको पहले मैंने एक्स परसेंट से घटा दिया फिर उसको एक्स परसेंट से बढ़ा दिया तो करंट प्राइस कितनी है इसका मतलब है मान लो अगर मैं उसे कहता हूँ इनिशियल प्राइस उसकी एक्स मान लेता हूँ मैं ठीक है तो उसकी प्राइस के अंदर कुछ रिडक्शन आया होगा इस और इस स्टेप के बाद दो स्टेप के बाद कितना रिडक्शन आया होगा उसके अंदर आया होगा के स्वेयर बाई हंड्रेड परसेंट रिड्यूस हो गई ये किसका परसेंट है परसेंट ऑफ एक्स ये वैल्यू है ना ये परसेंट थी इसको वैल्यू में चेंज कर लिया मतलब इसमें से इतनी वैल्यू कम हो गई अगर मैं x में से इतना सप्रैक्ट कर देता हूँ तो ये मेरी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ गई p बाय हंड्रेड ठीक है तो यहाँ से परसेंटेज का सिंबल हटाया और ऑफ हटाया ऑफ का मतलब हो गया मल्टीप्लाई और परसेंटेज का सिंबल लगाया तो नीचे क्या आ गया वन बाय हंड्रेड हो गया यहाँ से एक्स कॉमन ले लूँ एक्स कॉमन ले लिया और यहाँ से एल्शियम ले लेता हूँ तो ये हो गया दस हज़ार माइनस में के स्क्वेयर बाय दस हजार इक्वल्स टू पी बाय हंड्रेड दो जीरो से दो जीरो कट गई ठीक है तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई मेरी यहाँ पे हंड्रेड पी डिवाइडेड बाय टेन थाउजेंड माइनस में के स्क्वेयर ये मेरी ओरिजिनल वैल्यू थी ओरिजिनल वैल्यू किस किस के रिस्पेक्ट में आई है पी और के और न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं ये ठीक है आ गया तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर कुछ नहीं होता इस इक्वेशन बनानी होती है हर जगह बस सा दिखा के ठीक है आपको अल्फ़ाबेट दिखा के डराने की कोशिश करी जाती है लेकिन हम डरेंगे नहीं हमने सब कुछ अच्छे से कर लिया है ठीक है तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आपका परसेंटेज पूरा हो चुका है ठीक है आपका परसेंटेज पूरा हो चुका है ठीक, है? चुका है। ठीक है? तो अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नए टॉपिक के साथ और हाँ इसके जो टेस्ट है ना वो आते रहेंगे ठीक है तो टेस्ट को सॉल्व करते रहेगा जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना आप टेस्ट की आपके लिए उतना ही बेटर होगा ठीक है सेल्फ इवेलुएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है टेस्ट में कम स्कोर हो रहा है दोबारा से कर लो ठीक है क्वेश्चन वीडियो के अंदर हैं ठीक है थीके? उसको बार बार क्वेश्चन के लिए टाइम वेस्ट मत करो वीडियो आपके पास ही रहेगी क्वेश्चन देखो आंसर करो क्वेश्चन देखो आंसर करो क्वेश्चन देखो आंसर करो ठीक है, टेन सेकंड फाइव सेकंड का स्किप का बटन होता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखा आंसर देखा नेक्स्ट क्वेश्चन देखा आंसर देखा करो ठीक है वीडियो कहीं हट ही नहीं रही है ठीक है तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर तो ये आपका टेस्ट है ठीक है ठीक है ये कितने नंबर का है हमारा छह नंबर का है आज ठीक है देखते हैं आप कितने लेकर आते हो ये कहता है वैन पी लीटर इज पोर्ड इन टू अ वैसल पी लीटर ऑयल एक वैसल है मेरे पास उसके अंदर मैंने पी लीटर ऑयल पोर कर दिया डाल दिया तो जो वैसल है ना वो के परसेंट एम टी रह जाता है ठीक है के परसेंट एम टी रह जाता है तो हाउ मैनी लीटर्स डू वी नीड टू पोर मतलब और कितना उसके अंदर पोर करें कि मेरा वैसल कंप्लीट हो जाए ठीक है पहली चीज़ क्या निकालनी है लीटर निकालनी है ऑल्सो फाइंड टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक कि उस टैंक की पूरी कैपेसिटी कितनी थी तो किसके रिस्पेक्ट में निकलेगी सारी वैल्यू हमारी एक तो पी के और के के दोनों अल्फ़ाबेट दे रखे हैं ना तो दोनों आंसर मेरे पी और के के रिस्पेक्ट में ही आने चाहिए दूसरा क्वेश्चन कहता है राम गोश्त टू आर शॉप टू बाय आर वॉच कॉस्टिंग रुपीज़ टू फाइव सिक्स एट द रेट ऑफ टैक्स इज सेवन परसेंट ठीक है ये कहता है कि जो मेरा राम है ना वो एक दुकान पे जाता है वॉच खरीदने के लिए जिसकी कॉस्ट कितनी है पच्चीस सौ अड़सठ उसके ऊपर उसके ऊपर सेल्स टैक्स लगता है कौन सा टैक्स लगता है सेल्स टैक्स वो कहते हैं ना जीएसटी वगैरह तो उस पर सिर्फ सात परसेंट लग रहा है ये पुराना ज़माना था अभी तो चौदह परसेंट ले लेती हमारी गवर्नमेंट ही आज द शॉपकीपर टू रिड्यूस द प्राइस वो कहता है वो बंदा कहता है कि ना दुकानदार से कि ना भाई तू इसकी कीमत को कम कर दे थोड़ा ताकि ना मुझे सिर्फ पच्चीस सौ अड़सठ ही रुपये पे करने पड़े टैक्स वगैरह तू देख ले ठीक है मतलब मेरी जेब में पच्चीस सौ अड़सठ रुपए हैं तू ले ले ठीक है और मेरे को घड़ी दे दे तो कह रहा है कि वो फाइंड द रिडक्शन नीडेड इन द प्राइस ऑफ वॉच कि उसकी घड़ी की प्राइस के अंदर कितना रिडक्शन उसे चाहिए किसके अंदर बताना है इन टर्म ऑफ रुपीस बताना है तीसरा क्वेश्चन कहता है अ रिपोर्ट कंसिस्ट ऑफ ट्वेंटी पेजेस एक रिपोर्ट है बीस पन्नों की ईच ऑफ फिफ्टी फाइव लाइन्स एक कितने की है एक लाइन में कितने उसके अंदर एक पेज पे कितने लाइन्स हैं फिफ्टी फाइव लाइन्स है एंड ईच लाइन कंसिस्ट ऑफ सिक्सटी फाइव कैरेक्टर्स एक लाइन के अंदर कितने कैरेक्टर्स आ सकते हैं सिक्सटी फाइव ठीक है द रिपोर्ट इज रिड्यूस्ड ऑन टू पेज मतलब एक बड़ा रजिस्टर लिया है अब उसके अंदर लिख रहे हैं रिपोर्ट ठीक है किस तरह से कि उसके अंदर सिक्सटी फाइव लाइन्स है बड़ा रजिस्टर से सिक्सटी फाइव लाइन आ गई ठीक है सच डेट ईच लाइन कंसिस्ट ऑफ सेवेंटी कैरेक्टर्स अब एक लाइन के अंदर कितने कैरेक्टर आ गए सत्तर मतलब लंबा भी है और चौड़ा भी रजिस्टर है द परसेंटेज रिडक्शन इन नंबर ऑफ पेजेस इज़ क्लोजर टू कि अब मेरे को ये बताना है कि कितने पेज कम यूज़ होंगे उनकी परसेंटेज बतानी है ठीक है तो ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और मैं चाहता हूँ इसमें आप पूरे में से पूरे मार्क्स लेकर आएँ ठीक है इनके आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा हम देखेंगे सबके कमेंट पढ़ेंगे ठीक है अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ओके टेक केयर बाय बाय